हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल वेल। माय नेम इज़ सत्तार सिद्दीकी, वेलकम टू अनदर फूड व्लॉग। आज हम जा रहे हैं वड़ा पाव खाने। इंडियन डिश है, तो अकील भाई बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि हमने वड़ा पाव खाने जाना है, वड़ा पाव या बड़ा पाव जो भी है। तो चलते हैं, देखते हैं और आज का व्लॉग हमारा कैसा बनता है, आप लोग भी इंजॉय करें और हम भी आज इंजॉय करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, कील भाई को मैंने बिठा लिया है और अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भला? बड़ा पाव खाने। बड़ा पाव, उस दिन तो प्लान कैंसिल हो गया था, तो आज हमारा मूड था कि आज हम जा रहे हैं बड़ा पाव खाने। जी तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं राजा रोड अकबर चौक में। हमें नहीं पता था, हम डी ग्राउंड में खज्जल खवार होते रहे हैं। अकील भाई भी कह रहे थे यार लगता है हमने गलती कर ली आगे, लेकिन फिर हमें हमारी मदद की है गूगल मैप से। फिर हम ढूंढाते यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अभी देखें, वो तैयारी कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में सब कुछ उनका सेटअप तैयार हो जाएगा, उसके बाद हम फिर खाएंगे वड़ा पाव, फिर आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। जी तो गाइज, अभी हम आपको दिखाते हैं कि वड़ा पाव कैसे बनाते हैं और इसके सिनेमेटिक वगैरह दिखाते हैं आपको, उसके बाद हम खाने की वीडियो देखेंगे। 50-50 चांस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लाइट्स कम है, लाइट्स कम होने की वजह से हमारे जो सिनेमेटिक हैं वो पास से तो हम बना लेंगे, लेकिन दूर से हमसे नहीं बनेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं कि आपको जो भी है सारा कुछ क्लियरली दिखाया जाए। वड़ा पाव तो हो गए तैयार, अब खाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। स्विगी भाई खा रहे हैं, तो खा के बताएं स्विगी भाई किस तरह का लगा? बड़ा मुंह चाहिए इसके लिए। मेरे जितना? हाँ, दिखा। जी तो फ्रेंड्स, हमने वड़ा पाव खा लिया है, बहुत स्पाइसी था, बहुत मज़ा आया। और रहमान भाई और वकास भाई हैं, ये इन्होंने दोनों भाइयों ने काम स्टार्ट किया है और काफ़ी अच्छा टेस्ट है, हमने टेस्ट किया है। और रिव्यू में हम यही कहेंगे कि जो भी है अकबर चौक आए और वड़ा पाव ना खाए, ये तो उसकी बदकिस्मती है। ऐसे ये ज़रूर आएँ, और हम ये रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि अक्सर हम फूड व्लॉग बना रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये किंग वड़ा पाव के नाम से है अकबर चौक में। जी तो फ्रेंड्स, हमने वड़ा पाव से किंग वड़ा पाव, जो कि एक इंडियन डिश है, हमने वहाँ से वड़ा पाव खाया, बहुत टेस्टी था और बहुत मज़ा आया। और रहमान भाई और वकास भाई इसके ओनर हैं, और माशाल्लाह इनकी ये लिस्ट लगी हुई है और बहुत ही मुनासिब रेट है, और बहुत अच्छा और स्पाइसी था यार। यकीन जाने मैंने आज तक ये डिश नहीं खाई थी, फ़र्स्ट टाइम खाई है। इंडिया में काफ़ी देर चलती रही है ये डिश। तो वड़ा पाव, ये देखें, एक उन्होंने कहावत भी लिखी हुई है, बड़े बड़े दावे वड़ा पाव खावे। जो दावे बड़े बड़े करते हैं वड़ा पाव ही खाते हैं, लेकिन हमारे लिए ये फ़र्स्ट टाइम था, इसलिए हम फर्स्ट टाइम खा रहे हैं, इसलिए हमें बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। आप भी यहाँ पर आएँ अकबर चौक में, राजा रोड अकबर चौक पे इनकी शॉप है, लाजमी आएँ और ज़रूर टेस्ट करें, इंशाल्लाह आप भी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमान भाई, क्या हाल है? ठीक है सर। और वकास भाई क्या हाल है, आप ठीक हैं? अच्छा, तो कैसा काम जा रहा है आपका यहाँ पे? भाई हमने आपके वड़ा पाव खाए हैं और हमें बहुत मज़ा आया और टेस्टी हैं, हमारा रिव्यू जो है 100% है, और इंशाल्लाह हम रिकमेंड करेंगे कि लोग यहाँ पर आएँ और आपका जो वड़ा पाव है ना, यहाँ पर ज़रूर आके चेक करें, टेस्ट करें, ताकि ये जो डिश आपने फ़र्स्ट टाइम फैसलाबाद में मुतारफ़ करवाई है, इसको और बढ़ावा मिले आगे से। तो जी कील साहब, बोतलें लेके आए हैं। हाँ जी,
यार बड़ा पाव खा के ना यकीन मानो हमें इतना पसीना आया, तो बहुत दिल कर रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने का, इसलिए सोचा कि कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी पी लें। थोड़ी सी क्यों, बल्कि सारी पी। हाँ सारी तो आप पी रहे हैं, अगर आपने पीनी है तो बता दें।